हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पादप में जल अवशोषक अंग के बारे में जानेंगे। पादप में जल अवशोषक अंग जो कि जड़ होती है, जड़ में विभिन्न क्षेत्र होते हैं जो जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। अगर हम किसी पौधे की बात करें, कोई पौधे पौधे में जो जड़ें होती हैं, जड़ें जो होती हैं, जड़ का सबसे निचला भाग होता है, उसके उसके सबसे निचले भाग में अगर हम देखें तो इस तरह की जो संरचना है ये देखने को मिलती है। मतलब ये मुख्य मुख्य भाग जो हैं ये देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर हम नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले होता है मूल गोप क्षेत्र, जो कि रूट कैप जोन होता है। यह रूट कैप जोन जो होता है यह जड़ के सबसे अग्र भाग में होता है, और यह रूट कैप जो होती है एक तरह की टोपी होती है कोशिकाओं की, जो जड़ को मिट्टी में अंदर प्रवेश करने में मदद करती है। जो जड़ के कोमल ऊतक होते हैं, कोमल कोशिकाएं होती हैं, उनको घर्षण से, उन मिट्टी के कणों के घर्षण से, चोट से बचाती है। और यह कैप एक तरह का सुरक्षा आवरण होता है जड़ का, क्योंकि जड़ को मिट्टी में बढ़ना होता है अंदर ही अंदर, तो इस तरह से यह कैप जो है उस जड़ के कोमल ऊतकों की सुरक्षा करती है। क्योंकि इसके ठीक अंदर, मूल गोप के ठीक अंदर विभाज्योतक क्षेत्र होता है, जहाँ की बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं, कोमल कोशिकाएं होती हैं, जो निरंतर विभाजन कर रही होती हैं। निरंतर समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या में निरंतर यहाँ पर वृद्धि होती रहती है, और यहाँ पर बहुत ही संघनित रूप में कोशिकाएं होती, बहुत ही पास पास ये कोशिकाएं होती हैं, निरंतर इनमें विभाजन होता रहता है। और जो कोशिकाएं बनती हैं, नई कोशिकाएं, वो यहाँ पर ऊपर की तरफ मैच्योर होती जाती हैं। दीर्घिक यहाँ पर इनकी इनका आकार बढ़ता जाता है, इनमें जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है, और इस तरह से इनकी इनमें वृद्धि होती जाती है। ये एक तरह सा इनमें दीर्घीकरण होता है इन कोशिकाओं में, इसलिए इसको जोन ऑफ इलोंगेशन भी कहते हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है यह, जो कि विभाज्योतक क्षेत्र के ठीक ऊपर होता है। इस दीर्घीकरण क्षेत्र के ठीक ऊपर मूल रोम क्षेत्र होता है, जहाँ पर बहुत सारे एक कोशिकीय रोम होते हैं। ये एक कोशिकीय रोम जो होते हैं ये निकलकर मिट्टी में, इस तरह से मिट्टी के कणों के बीच में एक कोशिकीय रोम ऐसे सेट होते हैं, मिट्टी के कणों में जकड़े होते हैं, जिनमें जल और ऑक्सीजन के अणु भी पाए जाते हैं। ये इन्हीं मिट्टी के कणों से, इन्हीं मूल रोमों के द्वारा ऑक्सीजन और जल अवशोषित किया जाता है, जो कि जड़ जड़ में इन्हीं मूल रोमों के माध्यम से प्रवेश करता है। और इस मूल रोम के माध्यम से प्रवेश करके ये जड़ के केंद्र भाग में, जाइलम में आ जाता है, और जाइलम के माध्यम से पूरे पौधे में ऊपर तक इसको पहुंचा दिया जाता है जल को। तो ये मूल रोम क्षेत्र होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण रीजन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि जो जल अवशोषी अंग है जड़ में, वो मूल रूप से मूल रोम ही है। बाकी ये जो भाग है दीर्घीकरण क्षेत्र या विभाज्योतक क्षेत्र या रूट कैप, यहाँ पर जल अवशोषण नहीं होता है। और इसके ऊपर मैच्योरेशन जोन आता है, यानी परिपक्वन प्रदेश होता है। यहाँ की कोशिकाएं परिपक्व कोशिकाएं होती हैं, इनमें विभाजन नहीं होता है, और ये केवल जड़ जो है, जड़ को जड़ का स्थायी भाग बनाती हैं, स्थायित्व तो प्रदान करती हैं जड़ को, और मजबूती प्रदान करती हैं। यांत्रिक भाग होता है ये एक तरह का, जहाँ की कोशिकाएं विभाजन रहित होती हैं, विभाजन नहीं करती हैं। तो कहने का मतलब है, जो जड़ है, जड़ में मुख्य रूप से चार क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला रूट कैप जोन होता है, मूल गोप क्षेत्र होता है, जो कि जड़ की सुरक्षा करता है अंदर मिट्टी में प्रवेश करते समय, जड़ की कोमल ऊतकों की। ये कोमल जो ऊतक होते हैं ये निरंतर विभाजन कर रहे होते हैं। मूल गोप के ठीक पीछे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर निरंतर विभाजन होता रहता है। तो विभाजन होते रहने के कारण यहाँ पर, इसी कारण से इसे विभाज्योतक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक इसके ऊपर जो क्षेत्र होता है, यहाँ की कोशिकाएं जो विभाजन के द्वारा नई बनी कोशिकाएं, ये दीर्घीकृत होती रहती हैं, इलांगेट होती रहती हैं, इसलिए इसे जोन ऑफ इलांगेशन कहते हैं।
और इसके ऊपर जो होता है, यहाँ से एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं। ये कोशिकीय मूल रोम मिट्टी के कणों में इस तरह से सेट होते हैं और ये आपस में विसरण परासरण जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से यह जल, ऑक्सीजन और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स का यहाँ से ये अवशोषण करके पौधे को ऊपर तक पहुँचाते रहते हैं। तो ये मुख्य रूप से एब्जॉर्प्शन जोन होता है, ये मूल रोम क्षेत्र, और ऊपर होता है मैचुरेशन क्षेत्र। तो इस तरह से पादप में मुख्य जल अवशोषी अंग जो जड़ होती है उसमें ये चार मुख्य रूप से जल अवशोषी अंग होती हैं। हालांकि जल अवशोषण प्राय जड़ के द्वारा ही होता है, लेकिन कुछ पौधों में पत्तियां और तनों द्वारा भी जल का अवशोषण होता है अपवाद स्वरूप। इसके अलावा जलोद्भिद में जो जल अवशोषण है वो प्राय पौधे की समस्त पादप सतह के द्वारा होता है, क्योंकि पौधे जल के अंदर ही पाए जाते हैं। तो वो उनमें जड़ तो अच्छे से विकसित होती नहीं है, उनके जो पूरा शरीर है उसका पूरा जो पौधा है पूरे की पौधे की सामान्य सतह जल अवशोषण करती है। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो वायुमंडल से आर्द्रता जो है आर्द्रता रूपी जल को भी अवशोषित करते हैं, जैसे कोशिका बेओसिया, रेगोडिया, और ये जो क्या बोलते हैं अंगूर, चुकंदर, मूंग, बैगन, मिर्च, सेम आदि, इनमें भी जो है जल अवशोषण आर्द्रता द्वारा होता है। तो प्रायः मगर जो प्रायः जल अवशोषण होता है वह हमेशा जड़ द्वारा होता है, और जड़ में जो मूल रोम क्षेत्र होता है मूल रोम क्षेत्र के द्वारा जल का अवशोषण होता है। और जल किस जल का अवशोषण होता है, जो केशिका जल होता है इस केशिका जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है, केशिका जल का ही अवशोषण होता है मुख्य रूप से, जो कि मूल रोम के माध्यम से होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि पौधों में जल अवशोषक अंग मूल रोम क्षेत्र होता है जहाँ से जल का अवशोषण होता है। ठीक है, आशा है समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद।